यार आज पहली बार ऐसा हुआ। ये देखो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना। आप भी कभी कभी खाना बना लिया करो। सुबह के दोस्तों अभी ठीक 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। बाहर का माहौल दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। मस्त सुबह के टाइम पे चिड़ियों की चहचहाट है। मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल साफ नीट एंड क्लियर है। और अंदर किचन डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अर्शी भली रोटी बनाने पे लगी हुई है। गुड मॉर्निंग भली, क्या हाल चाल लगे हैं? और यहाँ पर धर्म पत्नी सब्जी बनाने पे लगे हैं। तो ये देखो भाई, गुड मॉर्निंग जी। आने भाई तो क्या बन रहा भाई आज नाश्ता हमारा? आज है आलू चने की सब्जी है और रोटी। आलू चने की सब्जी भाई दगड़ियों, और छोले चने हैं। मतलब खुद ही भूल गई कि आज किस चीज की बना रहे हैं सब्जी। आहा खुशबू भाई बड़ी प्यारी आ रही है। देखो छोले चने बन रहे हैं आज हमारे, और साथ में अर्ची भोली बढ़िया करके भाई रोटी बना रही है, और साथ में भाई यहाँ पे मस्त गर्मा गर्म चाय बन रही है सुबह सुबह के टाइम पे। जिसके सबके लिए बना दिया है, फुल भर के हैं। तो भाई जिसको भी नाश्ता करना है आ सकते हैं, आप इनवाइटेड हैं हमारी प्यारी धर्मपत्नी की तरफ से। ऐसे बोल रही जैसे अभी आते हैं लोग बगल से। अर्ची आप नहीं बुला रहे रोटी खाने के लिए? अपने हाथों में गर्म गर्म रोटी खाने की ना ना आ सकते हैं ना, तो उन्हें लगा दे पहले। आ जाओ देखी चाहिए तो। चलो भाई सुबह सुबह गर्मा गर्म रोटी छोले चने चाय का मजा लेते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। मैं भी भाई बढ़िया करके तैयार हो गया हूँ अभी, तो चलिए नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। ओके भाई भाई चश्मा दे दो मेरा। बढ़िया लग रही, चल ठीक है। ओके भाई तू ही पहन के रखना आज दिन भर। ठीक है ओके बाय, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। कुछ तो खास भूलू मैं माँ बात भूली। पीछे वाली गली में दोस्तों परसों ना भाई स्कूटी चोरी हुई भाई। चोरों के भाई इतने हौसले बुलंद हो गए, दिन दोपहर भाई चोरी कर रहे हैं। लगभग दिन के 2 बज रहे थे उस समय गाड़ी चोरी हुई स्कूटी। अब भाई साहब डर लग रहा है। अब वो जो स्कूटी थी वो एक पंडित जी की थी, वो कहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आ रखे थे। उन्होंने भाई स्कूटी बाहर पे खड़ी रखी, जितने में उन्होंने पूजा पाठ करी उतने में उनकी स्कूटी गायब हो गई। सारे पुलिस वाले घूम रहे थे इधर को, फायदा क्या है घूम के, टपाने वाला टपा गया। तो सुबह के अभी ठीक 7:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए। चलिए अपनी वीडियो की भी शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में देहरादून शहर से। देखो भाई छुट्टी, आज कुत्ता भी ले जा रही है स्कूल। सुबह सुबह ही दोस्तों शहरों में धूल मिट्टी उड़नी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए अभी मैं पहुंच गया हूं यहां पे एटीएम चौक के पास में, और यहां पर हो रहा है इंतजार सर जी का। चलो जी अपनी गड्डी भी आ गई है। सर प्रणाम, आज बाइक है ये बदल बदल के लानी पड़ रही इसमें ना। हाँ पेट्रोल भरा हुआ इसको फूकना जरूरी है। अच्छा पुराना माल बचा है, नया नहीं भरा हुआ पा रहा मैं। अच्छा ये है करीब करीब 6-7 महीने पुराना। अच्छा तभी तुम इसको लास्ट तक चला रहे, ये जल जाता ना। हाँ भरा था इसमें। हाँ चलाने भी जरूरी है, नहीं तो घड़ी रह रहे के फिर जंग खा जाती है। तो बर्बाद हो गई स्कूटी भी चलानी पड़ रही। गाड़िया तो आपने बहुत खड़ी कर रखी, कार का नंबर ही नहीं आ रहा। 2027 है। अच्छा तो उसके बाद रिटायर हो जाएगी। सही बात है, चलाऊंगा बूढ़ा भी हो जाऊंगा। नाश्ता हो गया बढ़िया। ग्रीस मंत्री चौक है बंगाली कोठी, पुराने लोग तो जानते हैं बंगाली कोठी, पर नए लोग जो है नहीं जाने वो ग्रीस मंत्री चौक। अच्छा सही बात, बंगाली भाई की कोठी थी पहले यहाँ पे। अच्छा अच्छा
गाड़ी भाई आज पंचर हो गया यार, आज पहली बार ऐसा हुआ। ये देखो अब भाई हमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, पहले तो पेट्रोल पंप तक भाई गड्डी पहुंचानी पड़ेगी आगे तक, वहां पे शायद पंचर मिल जाएगा। चलो चलो चलो। तो भाई दोस्तों गाड़ी पंचर हो गई सुबह सुबह, ऑफिस के लिए देर अलग से हो रही। चलो पहली बार हुआ भाई ऐसा हमारे साथ, बहुत ज़्यादा पंचर हो गया यार। तो ट्यूबलेस टायर है लेकिन भाई पता नहीं क्यों कि हवा पूरी डाउन हो गई, पूरा बैठ गया। चलो देखते हैं क्या होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे पे ना पेट्रोल पंप है भाई, हमें पंचर वगैरह मिल जाएगा साथ, नहीं तो भाई फिर बड़ी दिक्कत है क्योंकि आगे तक ना कहीं पर भी पंचर वाले नहीं हैं और अभी सुबह सुबह के टाइम पे तो खुलते भी नहीं है भाई लोग, यहाँ पे 10 बजे से पहले तो कोई खुलता ही नहीं है। दोस्तों अभी हम भारत पेट्रोलियम के पास में पहुँच गए यहाँ पे, और यहाँ पे भाई पेट्रोल पंप पे पंचर वाला तो है लेकिन 9 बजे से पहले नहीं खुलेगा सर्वर, और नहीं है कोई इधर को, सामने तो है एक दिख रहा शायद, वो रावत सर्विस सेंटर वाला। चलो मैं पूछता हूँ। तो भाई पेट्रोल पंप वाले तो मना कर रहे हैं कि 9 बजे से पहले पंचर नहीं लगेगा, कि सामने एक दुकान है रावत सर्विस सेंटर, यहाँ पे पूछ के देखते हैं। ये भी भाई आधा खुली है आधा बंद है, कुछ पता नहीं है इसका, ये भी लगाते कि नहीं लगाते। बाकी भाई कमल प्रकाश गुरजी को मैंने फ़ोन कर दिया है, तो एक सर हमको लेने के लिए आ रहे हैं कार से अपने, तो उनके कार से जाएंगे फिलहाल। तो यहाँ पे भी मना कर रहे हैं ये लोग कि अभी आए ही नहीं, कि 9:30 बजे के आसपास आएगा। वही है यहाँ पे भाई 10 बजे से पहले ना कोई दुकान ही नहीं खुलती, फिलहाल गाड़ी भाई यहीं पे छोड़नी पड़ेगी और फिर कार से जाना पड़ेगा सर। हाँ जी हाँ जी हाँ, वीडियो देखते हैं आप? अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही प्यार देते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिल के खुशी हुई। अभी हमारी गाड़ी पंचर हो गई यहाँ पे। हाँ अभी खड़े हो आप यहाँ? हाँ अभी मिलेंगे भैया किसी दिन, तो मिलेंगे, मुझे पता है आप इधर से जाते हो। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्यार देते रहना। जी जी, थैंक यू सो मच। घर में सब ठीक है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी हाँ जी, सब बढ़िया है भाई। दोस्तों यहाँ पे अभी हमारे सब्सक्राइबर भी मिल गए, और ऐसे भाई जब सब्सक्राइबर मिलते हैं अचानक से तो बहुत खुशी होती है। चलो दोस्तों हमारे स्वीट गुरुजी आ गए हैं, ये देखिए ये इनकी स्विफ्ट कार है, तो अभी इनकी कार से हम जाएंगे। आ जाओ गुरुजी। अरे गुरुजी प्रणाम, क्या हाल चाल? कम से कम सर के यहाँ पे घर नजदीक होने का फायदा आज हमें हो गया। मैंने गाड़ी इनकी मैं खड़ी करा दूंगा उसमें, यार राजू की दुकान पे उस वाले बेडरूम पे होता है ना। हाँ मन का मैं अपना कार ले आ रहा इसी चलेंगे बैठे, दिमाग में ये थी वो जो है। अब इन्होंने मैं वहाँ खड़ा रहा, अब इन्होंने कहा था यार पीछे वाले पेट्रोल पंप में। हाँ हम धकेल के लाए वो सब्जी मंडी पर खड़ी कर देते हैं भाई, आज गाड़ी लेके आया पता नहीं जब की ट्यूबलेस यार गाड़ी है। बताओ कैसे हुई? सेकंड में एकदम जीरो पे बैठ गई वो। हाँ एकदम से डिस्पेलेंस होने की वजह से कैसे हुआ? अरे वो तो गाड़ी लहराने लगती है। हाँ लेकिन लेकिन ट्यूबलेस में चलती रहती है थोड़ा थोड़ा, ट्यूबलेस में थोड़ा स्पेशल है गुरुजी हमारे लिए कार लेके आए, तो धन्यवाद गुरुजी आप। यार धन्यवाद क्या, आपकी गाड़ी है तो जब क्या हो जब हाजिर है। अभी तो सबसे पहले आपका ध्यान आया, और थोड़ा सा लेट हो जाते तो आप भी निकल जाते। अरे बच्चों मैं अभी भाई साहब जाने वाला था कपड़े पहनने, बिल्कुल कपड़े पहनने बस मेरा टाइम रहता 7:30 का, सही टाइम पे फोन कर दिया। 7:30 बजे मैं घर से निकल लेता हूँ, 7:30 वो बहुत धीरे ला रहा था, कट मारा उसके आगे गाड़ी की। वो दूसरा भी वही पे था गिरा हुआ, दूसरा नहीं दिखाई दिया वो मुझे लगा तो गाड़ी भी टूट गई पूरी, गाड़ी सारी खड़ी करी उन्होंने, गाड़ी के नीचे नीचे घुसा है सारा, या कोई घूमा ही नहीं उसका बैच ऐसा हो गई, इतनी मुड़ गई थी वो कि नहीं घुमा था वो, आगे के टायर के नीचे घुसे था। हां आगे के टायर के। ओहो कितने साल का रहा होगा लड़का? 15-16 साल का लड़का। ओहो अभी हम पहुंच गए हैं विद्यालय में, और सही टाइम पर पहुंचे, बस अभी थोड़ी देर पहले ही प्रार्थना यहाँ पे स्टार्ट हुई है, टायर पंचर होने के बावजूद भी दोस्तों हम सही समय पर पहुंच गए हैं, अभी प्रार्थना चल रही है। A few moments later. तो
तो है, ये कुछ हो गया तो लोग तो आ ही जाते हैं। बचाने की कोई गुंजाइश नहीं थी ना, वो तो यार ये चूक भी है बचाने क्या। तो कल दोस्तों यहाँ पे भाई भयंकर वाला एक हादसा हुआ और स्कूटी से दो लोंडे आ रहे थे, एक की तो भाई ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, सीधे स्कूटी से आ रहे थे और एक बच गया था। और उसके सीसीटीवी जब फुटेज हमने देखी भाई तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। ट्रक नंबर ये है, देखिए रायपुर में हुआ है अभी भी हादसा, ट्रक के नीचे एक बंदा आ चुका है। तो विद्यालय की छुट्टी हो गई है और दिन के अभी ठीक 1:30 बजे का टाइम हो रहा है और अभी हम वापस भाई उसी जगह पे आ गए, सुबह वाली जगह पे जहाँ पे हमारा टायर पंचर हुआ था। हालांकि टायर तो काफ़ी आगे पंचर हुआ लेकिन भाई हमने गाड़ी यहाँ तक पहुँचा दी थी किस भारत पेट्रोलियम के पास में। अभी यहाँ पे सर की गाड़ी का हम पंचर लगाएंगे और फिर निकलेंगे, यहाँ तक भाई चौहान जी ने हमें छोड़ दिया था। तो शाम के दोस्तों अभी ठीक 5:30 बजे का टाइम हो गया है और दिन में हम बढ़िया से भाई रूम पे पहुंच गए थे, गुरुजी भी और मैं भी, बड़ी मुश्किल से भाई हमारा पंचर लग गया था। और सुबह सुबह तो भी आज बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो गई थी हमारी क्योंकि हमारा ना टायर पंचर हो गया था बाइक का। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है घूमने जाने की। आज वो वीडियो देखी भाई एक्सीडेंट वाली, बहुत ज़्यादा बुरा लगा मेरे को। उसमें एक लड़का 19-20 साल का था जिसकी भाई डेथ हो गई थी और जो गाड़ी चला रहा था वो बच गया था, वो छटक गया था। तो दोस्तों हमेशा भाई ना आप लोग गाड़ी चलाते हुए भाई ध्यान रखा करें, जब भी भाई कोई बड़ी गाड़ी क्रॉस कर रही होती है ना उनके ब्रेक आसानी से लगते नहीं है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, वहाँ से ट्रक आ रहा था और वो लोडेड ट्रक था, उसके ब्रेक भाई ढंग से लगे ही नहीं क्योंकि वो एकदम से उस गाड़ी के सामने आ गए थे, तो भाई उस चक्कर में ये खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया। बाकी भाई मैंने पूरी वीडियो इसलिए भी नहीं डाली क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे ये कैसी वीडियो डाल रहे हैं, क्या वीडियो डाल रहे हैं फालतू, तो इसलिए मैंने खाली ये दिखाने के लिए डाला कि भाई सतर्क रहिए आप लोग, ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं और जल्दीबाजी भाई बिल्कुल भी ना करें आप गाड़ी चलाने में। तो इसलिए मैंने ये छोटी सी क्लिप डाली है, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, ये नहीं है कि रोड एक्सीडेंट को दिखाना या फिर कुछ ऐसी चीज़ दिखाना जो भाई आपको अच्छा ना लगे, खाली सतर्कता बरतने के लिए मैंने आज ये वीडियो डाली थोड़ी सी छोटी सी क्लिप। बाकी अभी चलिए घूमने निकलते हैं। तो हमारे एक परमानेंट सब्सक्राइबर हैं जो हमेशा हमारी वीडियो को वॉच करते हैं और हमेशा कमेंट भी करते हैं, हनुमान शर्मा जी राजस्थान से। उनका एक कमेंट आया था कि आपने वो घर दिखाया ही नहीं कभी जिस घर में आप रहते हैं, तो ये वाला वो घर है और ये भाई जी लोगों का घर है, हमारे उत्तरकाशी जिले से ही हैं, चिन्याली सोड से। तो इस घर में हम रह रहे हैं पिछले 1 साल से लगभग। तो चलिए जी अभी मैं पहुंच गया हूं रूम पे और धर्म पत्नी ने भाई मस्त गर्मा गर्म चाय बना दी है। कैसा रहा आज आपका दिन? आज एक का कमेंट आ रखा था, आप भी कभी कभी खाना बना लिया करो। कभी कभी बनाता हूं यार, चावल नहीं बनाए मैंने आज पर मैंने दिखाया नहीं। ऐसा है दोस्तों जब मैं खाना बनाता हूँ ना तो मेरी वीडियो कौन बनाएगा भाई, उस समय यहाँ कोई रहता ही नहीं है और जब सब रहते तो तब मेरे को खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यो बात है कि नहीं। आज मैंने चावल मैंने ही बनाए थे। बाकी अभी भाई बढ़िया से हम चाय का मजा ले रहे हैं। अर्ची भी बैठी है सामने पे, अर्ची की बोला आज तबीयत खराब हो रही, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ठीक है। इसमें एक से एक डॉक्टर बैठे हुए हमारे यूट्यूब में, बता दे कुछ ना कुछ दवाई बता देंगे जरूर। क्या हो रहा, उल्टी हो रही सुलटी हो रही? चलिए जी बढ़िया से भाई चाय को एंजॉय करते हैं और बाकी आज के इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज कर देते हैं। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद जय देव उत्तराखंड।